नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सारे भक्त जो चैतन्य चरितामृत सुनने के लिए बैठे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास में सीधे चैतन्य चरितामृत कर रहे हैं। क्लास थोड़ा जल्दी ख़त्म करना है मुझे। तो हमारा जो हुआ था अंतिम श्लोक वो है चैतन्य चरितामृत आदि लीला पहला अध्याय और 84 नंबर श्लोक जो हो चुका है। 85 से हम अभी शुरू करेंगे। ब्रजे जे बिहरे बिहरे ब्रजे जे बिहरे पूर्वे कृष्ण बलराम कोटि सूर्य चंद्र जिनी दोहार निज धाम सेई दुई जगतेरा होया सदय गौड़ देशे पूर्व शैले कोरिला उदय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण तथा बलराम जो भगवान हैं और पहले वृंदावन में प्रकट हुए थे तथा सूर्य और चंद्रमा से करोड़ों गुना अधिक तेजवान थे वे ही अब विश्व की पतित अवस्था पर सदैव होकर गौड़ देश अर्थात पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षितिज पर उदित हुए हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पहले सबका जितने भी आचार्य गण थे जितने भी गोस्वामी गण थे जितने भी भगवान के रूप थे सबका उन्होंने मंगलाचरण कर लिया। यानी गुरु भगवान साधु महात्मा जितने करने चाहिए मंगलाचरण में उन सब का अभिनंदन कर लिया उन सब का आवाहन कर लिया उन सब की वंदना कर ली। अब वो तत्व जो उनको बोलना है वो तत्व ज्ञान देने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वास्तव में हैं कौन। ब्रजे जे बिहरे बिहरे का मतलब होता है विहार करना। अब ये देखिए बंगाल और बिहार ये दो जगह जो है ना वहाँ पे व को ब बोलते हैं कई स्थानों पर व नहीं बोलकर ब बोलते हैं। जैसे विहार विहार जो शब्द होता है यानी विचरण करना उसको बिहार बोलते हैं। वैसे ही आपको पता है भक्ति विनोद ठाकुर बहुत जगह ब बोलते हैं। तो यहाँ विहरे लिखा है पर जब उच्चारण करेंगे ना बंगाली में तो वो बोलेंगे बिहरे। ब्रजे ब्रज व्रज व्रज और ब्रज सेम है। कई बार वो ब्रज कहते हैं लोग कई बार वो व्रज कहते हैं। व्रज भी सही है और ब्रज भी सही है। तो ब्रजे जे विहरे पूर्वे कृष्ण बलराम ब्रज मंडल में पहले जो कृष्ण और बलराम विचरण करते थे घूमते फिरते थे लीला करते थे और कोटि सूर्य चंद्र कोटि यानी करोड़ों सूर्य और चंद्रमा से भी ज़्यादा प्रकाशित क्या है उनका धाम निज तोहार धाम उनका जो धाम है कृष्ण बलराम का धाम यानी गोलोक धाम वो सूर्य और चंद्रमा से भी ज़्यादा प्रकाशवान है। श्री कृष्ण और बलराम जो भगवान है पहले वृंदावन में प्रकट हुए थे और सूर्य और चंद्रमा से करोड़ों गुना अधिक तेजवान थे। यहाँ पर
धाम नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर स्वयं कृष्ण और बलराम को कह रहे हैं, पर यहाँ लिखा है निज धाम। कोटि सूर्य चंद्र जिनी दोहार निज धाम, यहाँ पे निज धाम यानी स्वयं कृष्ण बलराम को बताया जा रहा है। तो वो क्यों आए यहाँ पे, सेई दुई जगतेरा होया सदै, जगत जगत में जो लोग हैं, हम सारे जो लोग हैं उनके ऊपर दया, सदय दयावान है वो, तो उनके हृदय में दया जागृत हुई, इसीलिए वो यहाँ प्रकट हुए, कृष्ण और बलराम प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए, गौड़ देशे पूर्व शैले कोरिला उदय, गौड़ देश कहा जाता है बंगाल को, पश्चिम बंगाल को, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही बता रही, यहाँ प्रभुपाद ने जो लिखा है ना वहाँ पश्चिमी बंगाल लिखा है, हालांकि उस समय पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल जो अभी बांग्लादेश है दोनों एक था, चैतन्य महाप्रभु के समय पूर्वी बंगाल जो अभी है जो बांग्लादेश है वो और पश्चिमी बंगाल जो भारत में है दोनों एक था, और पूरा भारत भारत के मैप के अंदर वो था। तो पूर्वी बंगाल जैसे लीला हो रही है ना उसमें भक्तगण पूर्वी बंगाल के भी हैं, बहुत सारे भक्तगण पूर्वी बंगाल के हैं, आना जाना भी होता था उनका, पर यहाँ पे गौड़ देश पश्चिमी बंगाल को कहा जा रहा है। हम लोग है ना गौड़ भक्त वृंद मध्व गौड़ीय परंपरा, तो ये गौड़ शब्द आया है वहीं से, पश्चिमी बंगाल का वो इलाका जहाँ चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए और लीला की। नित्यानंद प्रभु थोड़ी थोड़ी दूरी में प्रकट हुए थे, पर जो भी हो, तो जैसे सूर्य और चंद्र प्रकट होते हैं, सूर्य और चंद्र प्रकट होते हैं, वैसे ही बंगाल के पूर्वी क्षितिज पर दोनों प्रकट हुए। अगर आप शब्दों को समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, वैसे मैं तो दो लाइन में बोल के आगे भाग सकती हूँ, पर मज़ा तभी आएगा जब हम अच्छे से समझेंगे। तो क्षितिज यानी आकाश, गौड़ प्रदेश के पूर्वी क्षितिज पर दोनों प्रकट हुए ऐसा बताया जा रहा है। सूर्य और चंद्र देवता प्लैनेट रोज़ प्रकट होते हैं, रोज़ अप्रकट होते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उन्हीं की तरह, यानी उनका उनकी मृत्यु नहीं होती है, सूर्य चंद्रमा की मृत्यु नहीं होती है, वो हैं हमेशा नित्य हैं, जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक है। तो सूर्य और चंद्रमा की तरह ये दोनों भी प्रकट हुए, भगवान के प्रकट होने को अवतरित होने को ऐसे ही बताया जाता है, ठीक है। तो क्यों प्रकट हुए, पहला कारण समझिए, पहली बात क्या बताया कि वो दोनों सेम है, जो कृष्ण बलराम थे वही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है। दूसरी बात उनकी तुलना की जा रही है सूर्य और चंद्रमा के साथ। तीसरी बात दयालु, जीवों के ऊपर दया होने के कारण वो आए, उनको अपना कोई कार्य सिद्ध नहीं करना था, वो सदय होइया दुई जगतेरा होइया सदय, दया दयावश वो आए और पूर्वी क्षितिज पर प्रकट हुए। कहाँ पूर्वी, कौन से पूर्वी क्षितिज पर, गौड़ देश के पूर्वी क्षितिज पर प्रकट हुए। श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद जहार प्रकाशे सर्व जगत आनंद। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य पर, उनके प्रादुर्भाव पर पूरे जगत को बहुत आनंद हुआ, वो आनंद देने के लिए आए। भगवान हमेशा आनंद देने के लिए आते हैं, तकलीफ किसको होती है, जो भक्त नहीं है असुर हैं उनको तकलीफ होती है, भक्तों को अच्छा लगता है हमेशा। रामचंद्र जी आए, उन्होंने सबको आनंद दिया, अयोध्या वासियों को, मिथिला वासियों को, जनकपुरी को, सबको आनंद दिया, पूरे धरती पर जहाँ जहाँ गए सारे जितने साधु महात्मा थे जंगल में, दंडकारण्य में, पंचवटी में, सबको आनंदित किया। कृष्ण आए, वो सबको पूरे ब्रजमंडल में सबको आनंद प्रदान किए। चैतन्य महाप्रभु आए,
पूरे भारत भूमि पे घूम घूम के सबको आनंद प्रदान किए। भगवान आनंद देते हैं क्योंकि उनके पास आनंद है। जिसके पास जो है वही देगा ना। जिसके पास आनंद है वो आनंद देगा, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान देगा, जिसके पास टेंशन है वो टेंशन देगा। इसलिए जिसके पास टेंशन है उससे दूर रहना है हमें। क्यों? क्योंकि वो वही देगा। तो ध्यान रखिए, इसीलिए कहा जाता है भक्तों के साथ रहो, तो भक्तों के साथ रहने से भक्ति मिलेगी। तो भगवान सच्चिदानंद है, हमेशा आनंद में रहते हैं, तो भगवान के सारे भक्त भी आनंद में रहते हैं। असली भक्त जो होते हैं, भगवान के संपर्क में जो आएगा वो आनंदित रहेगा। तो इन्होंने पूरे विश्व को आनंद प्रदान किया। सूर्य चंद्र हौरे जैसे सब अंधकार, वस्तु प्रकाशिया कौरे धर्मेर प्रचार, एई मोतो दुई भाई जीवे र अज्ञान, तमो नाश कोरी कोयलो तत्व वस्तु दान। सूर्य और चंद्रमा जैसे अंधेरे को हर लेते हैं, यानी अंधकार। रात्रि में अगर अमावस्या है यानी कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि कितना अंधेरा है। वास्तव में सूर्य नहीं है तो बहुत अंधेरा होता है कृष्ण पक्ष में, क्योंकि चंद्रमा भी ठीक से प्रकट नहीं होते हैं। थोड़ा 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 वो डूबते जाते हैं, यानी घटते जाते हैं। चंद्रमा जो है ना, वो पूर्णिमा के बाद धीरे 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 घटते जाते हैं और बाद में पूरी काली रात्रि हो जाती है। तो बहुत अंधेरा, अगर आप बाहर निकलेंगे आपको अपना शरीर नहीं दिखेगा, इतना अंधेरा हो जाता है अमावस्या के रात्रि में। परंतु पूनम का चांद यानी एकदम उजाला, पूर्णिमा के समय अगर आप गांव इत्यादि में बैठेंगे जहां पे बिल्कुल प्रकाश नहीं है, समझिए किसी स्थान पर जहां लाइट नहीं है, ये वाला ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह, फिर भी आपको दिखाई देंगे लोग इतना। तो चंद्रमा भी प्रकाश देते हैं और सूर्य तो प्रकाश देते ही हैं। केवल जब बादल रहता है तो उनका प्रकाश हमारे तक पहुंच नहीं पाता है, तो उसमें सूर्य और चंद्रमा की कोई गलती नहीं है या उनके उनमें कोई दोष नहीं है, बीच में बादल आ जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रकाश देते हैं वैसे ही ये दोनों भाई धर्म रूपी धर्म का प्रचार करके सबको प्रकाश दिया, यानी ज्ञान दिया, धर्म दिया, ज्ञान दिया, चीज़ों को बताया असली चीज़ क्या है, है ना। अज्ञानता और अंधकार दोनों को बराबर बताया गया, इसीलिए बोला जाता है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य, अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण, अज्ञानता रूपी अंधकार, तिमिर यानी अंधेरा, अज्ञानता या अज्ञानता अंधेरे के समान है। और जिसके अंदर अज्ञानता है यानी कि उसकी आंखें नहीं है, वो अंधा है, तो उसे गुरु काजल लगाते हैं, ज्ञान रूपी काजल लगाते हैं और उसके अंधकार को, अंधेपन को दूर करते हैं, तो वो चीज़ों को सही तरीके से देख पाता है। यही तो फर्क है ना, एक मूर्ख व्यक्ति में और एक ज्ञानी व्यक्ति में क्या फर्क है। मूर्ख चीज़ों को नहीं समझ पाता है, ज्ञानी चीज़ों को समझ पाता है। भक्त जो सतोगुणी है वो और अच्छे से समझ पाता है, जो रजोगुणी है वो उतना अच्छे से नहीं समझता है, जो तमोगुणी है वो बिल्कुल नहीं समझता है। तो ज्ञान जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी के आधार पे तो है कोई सुखी है कोई दुखी है, कोई रो रहा है कोई कराह रहा है, इस सब के पीछे ज्ञान है और अंधकार। कितना अज्ञान में आप हैं डूबे हुए, जितना ज़्यादा अज्ञानता में डूबे हैं उतना ज़्यादा दुखी हैं, और जितना ज़्यादा ज्ञान है उतना ज़्यादा सुखी है।
ज्ञान बहुत आवश्यक है, और ये कौन देता है? भगवान और गुरु, शास्त्र। तो इसका प्रचार किया, धर्म का प्रचार किया। एई मतो दुई भाई जीवेर अज्ञान तमो नाश कोरी कोइलो तत्व वस्तु ज्ञान। तमो ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, हमने बोला ना, वैसे ही तमो, तम का मतलब भी अंधकार होता है। तम तमोगुणी है, मतलब अज्ञानता में है पूरी तरह से। तो तमो को कैसे नष्ट किया जाएगा? काजल, अंधकार, अज्ञानता, तम, ये सब समान है। तो इसको समाप्त करने के लिए दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो वो दिव्य ज्ञान देते हैं हमको गुरु चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। ज्ञान भी देने आए थे, भक्ति भी देने आए थे, प्रेम भी देने आए थे। तो इन्होंने अज्ञान और अंधकार को दूर किया और परम सत्य के ज्ञान को प्रकाशित किया। परम सत्य क्या है? अब जैसे कुछ लोग हैं, मान लीजिए बहुत दुखी हैं, बहुत रो रहे हैं, परेशान हैं, लगातार परेशान हैं, उनके घर में कुछ घटना घट गई है, तो उनको लगता है कि कोई व्यक्ति मुझे मिले जो मुझे इससे निकाले। और उस समय उसको यदि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी भक्त पहुंच जाए तो उसका तो जीवन पलट जाता है। अभी आप थोड़ा छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। व्यासदेव जी को कोई कमी नहीं थी, व्यासदेव जी पूर्ण ज्ञानी थे और व्यासदेव जी परिपक्व भी थे, परिपक्व अवस्था में थे। उन्होंने ग्रंथों का बहुत सारा संकलन ऑलरेडी किया हुआ था, वेद पुराण इत्यादि, परंतु फिर भी दुखी थे, फिर भी दुखी थे। और जब व्यक्ति दुखी रहता है तो उसको कुछ करने का मन नहीं करता है, शरीर भी लगता है कमज़ोर हो गया, बहुत प्रॉब्लम। तो वो दुखी थे, तो उस समय कौन पहुँचे? नारद मुनि। नारद मुनि पहुँचे और नारद मुनि ने थोड़ा उनको बातचीत करके समझाया। तब जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो व्यासदेव जी खुश हो गए। फिर व्यासदेव जी ने श्रीमद्भागवतम का संकलन किया, श्रीमद्भागवतम को लिखा। तो ज्ञान के कारण ऐसा हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, सही समय पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बहुत आवश्यक है ये चीज़। और ये ऐसी घटना एक बार नहीं हुई है, बार बार होती है। युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे। युधिष्ठिर महाराज को लगा, अरे इतने सारे लोग मारे गए, चूँकि मुझे राज्य चाहिए था इसीलिए इतनी हत्याएं हुई, मैं ही दोषी हूँ, मेरे कारण सब कुछ हुआ, ऐसा सोचकर बहुत दुखी थे युधिष्ठिर महाराज। तो भगवान जो भी समझाए या ऋषि मुनि समझाए, साधु महात्मा समझाए, नहीं फर्क पड़ा, फिर भी दुखी रहे, क्योंकि ये भगवान की लीला है। अंत में भीष्म पितामह जब समझाए तब युधिष्ठिर महाराज को अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे एक रिश्ता था, दादा और पोते का रिश्ता, जिसके कारण वहाँ बात बन गई, प्रेम था। भीष्म पितामह जो प्रेम किए थे, लाड़ प्यार किए थे बच्चे को, तो जब लाड़ प्यार होता है, कोई लाड़ प्यार से कुछ आपको बोलता है तो 50% 75% काम तो बस उसी से बन जाता है, थोड़ा सा समझाना पड़ता है बस। तो वहाँ पे भी यही समस्या थी। अर्जुन भी बहुत परेशान थे, दुखी थे, करीब करीब रो ही रहे थे, और धनुष बाण सब रख दिया कि मुझे युद्ध नहीं करना है। वहाँ पे भी कृष्ण समझाए, तो कृष्ण के समझाने के बाद युद्ध किए, तैयार हो गए। तो ज्ञान सही समय पर सही व्यक्ति द्वारा अगर दिया जाए तो जीवों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। अगला श्लोक है, अज्ञान तमेर नाम को ही ये कैतव। ये कैतव शब्द दोपहर के क्लास में भी आया था, जहाँ मैंने उसको लंबा नहीं खींचा, बोल के निकल गई। अभी फिर से कैतव आया, कैतव शब्द को भी जानना जरूरी है। अब ये सबका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है, ठीक है, हम थोड़ा बहुत करेंगे।
अज्ञान तमेर नाम को ही ये कैतव धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। अज्ञान का अंधकार कैतव अर्थात ठगने की विधि कहलाता है, जो धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मुक्ति के साथ साथ प्रारंभ होता है। अब देखिए, प्रभुपाद कुछ भी नहीं लिखे हैं, बिल्कुल परपोट नहीं है इसका, चले गए आगे परपोट को छोड़कर। किसी का परपोट नहीं है, सबका सिर्फ अनुवाद है, पर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। इसके बाद जो श्लोक है ना, इसमें प्रभुपाद ने बड़ा लंबा परपोट दे दिया। पर कैतव शब्द यहाँ भी आया है और कैतव शब्द का वर्णन आगे भी आएगा। तो अज्ञान का अंधकार कैतव अर्थात ठगने की विधि कहलाता है। तो कैतव शब्द का बहुत अर्थ है, कैतव कैतव नहीं, आगे कैवल्य आता है, राइट, यहाँ कैतव है। कैतव और कैवल्य, कैवल्य दो चीज़ है। तो कैतव, कैतव धर्म यानी ठगने वाला धर्म, इसको अगले श्लोक में समझा देते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो कि श्रीमद्भागवतम से लिया है उन्होंने। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही प्रभुपाद बताते हैं, या सब सीधा सीधा ट्रांसलेशन बताते हैं कि अज्ञान का अंधकार कैतव अर्थात ठगने की विधि कहलाता है। तो ठगने की विधि क्या है? ठगना, ठगना किसको कहते हैं? जो कहाँ से शुरू होता है? धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मुक्ति, यानी चार पुरुषार्थ, यानी चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको चार पुरुषार्थ कहा जाता है। क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही चीज यहाँ लिखा है, धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मुक्ति। यह है ठगने की, ठगने वाला धर्म। क्या है ये? ठगने वाला पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ। अब देखिए, यहाँ पे प्रभुपाद ने कोई परपोट नहीं लिखा है। तो अगर प्रभुपाद ने परपोट नहीं लिखा है तो हम भी आगे चले जाते हैं, क्योंकि अगला जो श्लोक है ना, उसमें बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है। मोटा मोटी तौर पे आप ये समझ लीजिए कि इसी चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने अगला श्लोक ले लिया है। क्यों? क्योंकि अगला श्लोक यहीं से शुरू होता है। अब देखिए, धर्म अर्थ अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार चीज़ वेदों में वर्णित है। वेद जो है ना, उसके उसमें चार पुरुषार्थ का वर्णन है। वो चार पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, और ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, इसको करने के लिए, इसको सही तरीके से ये चारों के ऊपर कार्य करने के लिए और धीरे धीरे ये उन्नति करने के लिए वर्णाश्रम धर्म है। वर्णाश्रम धर्म में जो चार वर्ण हैं और चार आश्रम हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों के लिए वेदों में पुरुषार्थ का वर्णन है। तो जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें उन्नति होती है पर बहुत स्लो होती है। व्यक्ति पहले धर्म करता है, फिर उसको पैसा मिलता है यानी अर्थ, फिर वो इंद्रिय तृप्ति करता है यानी काम, और फिर उसको मोक्ष के बारे में थोड़ा थोड़ा ख्याल आता है। जब बहुत इंद्रिय तृप्ति कर लेता है तो उसको लगता है कि अरे, इसके आगे भी कुछ सोचना चाहिए। तो ये स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस, तो समझ लीजिए। तो वेद, चार वेद, उसके बाद वैदिक सूत्र, ये सब जब समाप्त हो जाता है, यानी इसके ऊपर वेद और वेदों के भी ऊपर और सब ज्ञान वाला कर्मकांड, ज्ञान कांड, सब सबके आगे जब हम बढ़ेंगे तो भक्ति आता है। तो जैसा कि मैंने चर्चा किया कि नारद मुनि समझाए तब व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा। ये बहुत हाई फिलॉसफी चल रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये करना ही पड़ेगा, यहाँ पे है। हाँ,
बहुत मुश्किल है समझाना। आप सोचेंगे माता जी क्या क्या बोल रही हैं, पर मैं क्या करूं, यहाँ यही सब है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार चीजें जो है ये वेदों का विषय है। और उसके बाद होता है वेद जहाँ समाप्त होते हैं तो वेदांत सूत्र शुरू होता है। चार वेद और वेद के ऊपर वेदांत सूत्र। तो वेदांत सूत्र हो या वेद हो, भक्ति उसमें प्रमुख नहीं है। वेदों में एक एक कांड है जिसको कहा जाता है उपासना कांड, यानी पूजा पाठ। पूजा पाठ जो है वो एक हिस्सा है भक्ति का, पूर्ण भक्ति नहीं है। भक्ति में जितनी भी चीज़ें होती है उसमें से एक पूजा पाठ भी है, यानी आरती करना भगवान की। परंतु शुद्ध भक्ति, पूर्ण भक्ति, भगवत धाम जाने वाली भक्ति, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं है वेदों में। ठीक है, तो वेदों को पढ़कर कोई व्यक्ति भगवत धाम तो नहीं जा सकता है, कहीं नहीं जा सकता है, ना वैकुंठ धाम, ना गोलोक धाम, ना साकेत धाम, वेदों पढ़ को पढ़कर ये संभव नहीं है। इसलिए बाद में नारद मुनि के सजेशन पर, नारद मुनि के साथ वार्तालाप करने के बाद, नारद मुनि के द्वारा समस्या का समाधान जब निकला, तब व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा। तो श्रीमद् भागवतम ये सब के ऊपर है, और ये सब जो मैं आपको बोल रही हूँ ये श्लोक से समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भागवतम का ये पहला श्लोक है। श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक ये है। कौन सा श्लोक? अभी जो आ रहा है, धर्म प्रोज्जित कैतवो अत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुद्यते अत्र कृतभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। यहीं पर रखा है भागवतम, ये देखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भागवतम शुरू होता है, पहला स्कंद, पहला श्लोक। ठीक है, तो पहला श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम का आपको पढ़ के सुनाती हूं मैं, सॉरी दूसरा श्लोक है। पहला श्लोक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो है, पर कैसे हो गया, एक मिनट, ना दूसरा नंबर श्लोक है धर्म प्रोज्जित कैतवो अत्र। पहला श्लोक है जन्मादस्य यतो अन्वयात वितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदा य आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुकम सत्यम परम धीमहि। बहुत डिफिकल्ट श्लोक है। और धर्म प्रोज्जित कैतवो अत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुद्यते अत्र कृतिभि शुश्रु शुभि तत्क्षणात्। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है व्यासदेव जी स्वयं कह रहे हैं, महामुनि व्यासदेव द्वारा चार आदि श्लोकों से संकलित महान शास्त्र श्रीमद् भागवत बड़े बड़े एवं दयालु भक्तों का वर्णन करता है और भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता की ठगने की विधियों को पूरी तरह बहिष्कृत कर देता है। धर्म प्रोज्जित कैतवो अत्र, ये जो कैतव शब्द आया इसके पहले वही कैतव शब्द यहाँ आया है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो कैतव धर्म है उसको हम झाड़ू मार के निकाल देते हैं। कैतव धर्म जिसका इतना ज्यादा वर्णन किया गया है वेदों में, उसको श्रीमद् भागवतम दूसरे ही श्लोक में झाड़ू मार के बाहर निकाल देता है। प्रोज्जित,
आपको सुनना है, शब्दार्थ इसका देखना है। यहाँ पे तो शब्दार्थ नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ से शब्दार्थ दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए शब्द क्या शब्द श्रीमद् भागवतम में इसके लिए प्रयोग हुआ है। देखिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं झाड़ू मारने वाली बात, पर यहाँ पे प्रोज्जित मतलब पूर्णतया अस्वीकृत, पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया गया किसको, कैतव धर्म को। धर्म प्रोज्जित कैतवो अत्र पूर्णतया अस्वीकृत, अस्वीकृत कैतव धर्म को निकाल दिया। अब झाड़ू मार के निकाल दिया या ये शब्द कहीं मैंने सुना होगा इसलिए बोला आपको। तो कैतव धर्म, और कैतव धर्म को आप समझ चुके हैं कैतव धर्म किसको कहते हैं, यही चार चीजें धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सारे भक्तगण सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है, अगर होता तो ये दूसरे नंबर श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में ही, दूसरा नंबर शुरुआत ही हुआ, पहला नंबर में तो केवल ब्रह्मा जी का गुणगान किया है, तो दूसरे नंबर श्लोक में ही मतलब पहले में बताया कि कैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान हृदय में दिया, ये बताया गया, और दूसरे में बता दिया कि कैतव धर्म को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया गया, यानी कैतव धर्म का श्रीमद् भागवतम में कोई काम नहीं है। श्रीमद् भागवतम किसके लिए बना है, भक्तों के लिए बना है। तो जिसको भक्ति करनी है उसको ये चार चीज के चक्कर में पड़ना नहीं है। क्या चार चीज के चक्कर में पड़ना नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सबसे परे है भक्ति, इन सबसे बहुत ऊपर है भक्ति, बात समझे। तो बहिष्कृत कर दिया, अब झाड़ू लेके निकालना या बहिष्कृत कर देना, एक ही टाइप का शब्द हुआ। तो भौतिक धार्मिक, भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता की ठगने की विधियों को पूरी तरह से बहिष्कृत करता है, और यह क्या करता है, शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जो व्यक्ति पढ़ता है, जो व्यक्ति सुनता है, जो कथा करता है श्रीमद् भागवतम का, उसके बारे में पूर्ण रूप से ये समझना चाहिए कि वो भक्त है। अगर वो भक्त नहीं है और केवल ऐसे ही बहस करता है श्रीमद् भागवतम का, तब तो बहुत खतरनाक है। वो पैसा कमाने के लिए फिर कर रहा है, वो धन कमाने के लिए कर रहा है, तो फिर उसको बहुत नुकसान होगा। सच्चे दिल से जो श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन या यजन याजन पठन पाठन करता है, लोगों को पढ़ाता है सिखाता है सच्चे दिल से, उसको धन नहीं कमाना है। रूप गोस्वामी ने कहा है भक्ति रसामृत सिंधु में कि ये जो शास्त्रों के ऊपर प्रवचन देना है, ये अगर धन कमाने के उद्देश्य से किया गया है तो बहुत बड़ा अपराध है। वो कभी भक्ति को प्राप्त नहीं करेगा, कभी भी उसको कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा, उल्टा उसको बहुत नुकसान होने वाला है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम मजाक नहीं है, श्रीमद् भागवतम लिए और कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण ये हैं, लड्डू गोपाल जी को लेके खेल कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सामने में भागवतम बोल रहे हैं और सामने में लड्डू गोपाल, ज़्यादातर जो लोग हैं वो सामने में लड्डू गोपाल को रख देते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए माहौल को, और फिर मस्त कथा होती है और बहुत सारा चढ़ावा चढ़ता है, बहुत सारा धन आता है। ये तरीका नहीं, धन दूसरे तरीके से कमाइए, कथा के द्वारा धन मत कमाइए, कथा करिए तो कथा करिए बस, धन कमाने के लिए आप कोई और बिजनेस कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है जो जीव को तीन प्रकार के तापों को यथार्थ तक कम करने वाला है। तो तीन प्रकार के ताप हैं, आदिभौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों तापों को कम करता है कौन, श्रीमद् भागवतम। और पूर्ण संपन्नता तथा ज्ञान का सर्वोच्च आशीष प्रदान करने वाला है। जो लोग विनीत सेवा भाव से
इस शास्त्र के संदेश को सुनने के इच्छुक हैं वे तुरंत ही भगवान को अपने हृदयों में बद्दी बना सकते हैं। अतएव श्रीमद् भागवतम के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ लिखा है श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरे। अगर आपके पास श्रीमद् भागवतम है, आपको कोई और बुक रहे नहीं रहे, पूरा जीवन आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए, भगवत धाम चले जाएंगे। इतनी ताकत है श्रीमद् भागवतम में। तो ये क्योंकि सबको छोड़ के लास्ट जो है, सब कुछ को हटा करके सिर्फ भक्ति के बारे में बताया गया है, और भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप भगवत धाम तो जाते ही हैं, बहुत आसानी से जाते हैं। दूसरा जो माध्यम है उसके द्वारा आप ट्राई करेंगे, आपको बहुत कठिनाई होगी, बहुत समय लगेगा, अंत में भक्ति को ही पकड़ना पड़ेगा, तभी भगवत धाम जाएंगे। तो हमने देख लिया श्रीमद् भागवतम को, समझ लिया कैतव धर्म को, कैतव धर्म क्या है समझ लिया, और ये समझ लिया कि श्रीमद् भागवतम कैतव धर्म नहीं है। श्रीमद् भागवतम में कैतव धर्म की चर्चा नहीं हुई है, यानी उसको सिखाया नहीं गया, उसको हटा के और फिर बातें की गई है श्रीमद् भागवतम की। भगवत गीता में चर्चा हुई है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि वर्णाश्रम धर्म मैंने बनाया है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, कर्म योग इत्यादि बताया है। लास्ट में जाके बोलते हैं भगवान सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज, या भक्ति योग सिखाते हैं, वो अलग बात है, पर कर्म योग भी है। परंतु यहाँ पे कुछ नहीं, कर्म वर्म से कुछ मतलब नहीं, सीधा सीधा भक्ति करो। हर जगह श्रीमद् भागवतम में भक्ति की चर्चा हुई है। इस श्लोक का तात्पर्य बहुत बड़ा है और हमको समझना भी पड़ेगा। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, पहली बात बता दिया। उसके बाद श्रीमद् भागवतम में असली धर्म तथा कैतव धर्म में स्पष्ट अंतर किया गया है। तो वेदांत सूत्र पर इस भौतिक भाष्य के अनुसार अनेक कपट धर्म हैं जो धर्म के नाम पर चलते हैं, किंतु वे धर्म की असली सार की उपेक्षा करते हैं। जीव का असली धर्म उसका प्राकृतिक अंतर्निहित गुण है। कैतव धर्म जो है वो क्या है, अविद्या है। अविद्या का ऐसा रूप है जो जीव के शुद्ध अवस्था को ढक देता है। शुद्ध अवस्था जीव का है भगवान से प्रेम करना। आप खुद ही सोचिए, आपको अनुभव होगा कि जब आप मंदिर में भगवान के सामने खड़े होते हैं, जब भी आप आते हैं मंदिर भगवान के सामने खड़े होते हैं, 5-10 मिनट रुकते हैं, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो आपका मन कितना अच्छा हो जाता है ना। ऐसा लगता है जाए ही नहीं, अगर नृत्य हो रहा है तो नृत्य करने का मन करता है, कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन में बैठने का मन करता है, लगता है दुनिया का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो गया। मगर अगर आप कहीं और हैं जहाँ सारे लोग धन के बारे में सोच रहे हैं, इंद्र तृप्ति के बारे में सोच रहे हैं, और उनके साथ आप बैठे हैं, तो आपका मन कैसा हो जाता है बताइए। ये जो आपने इतना सुंदर वातावरण देखा मंदिर वाला, और आपके आपके चेतना में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति जागृत हो गई, वो सब क्या हो जाएगा, कवर्ड, ढक जाएगा, और फिर से वही सब जो जो सामने वाले के दिमाग में चल रहा है ना, वो आपके दिमाग में भी चलने लग जाएगा। क्या, कैसे ज़्यादा धन कमा लें, कैसे ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति कर लें। तो ये बहुत स्वाभाविक है, जिसके साथ बैठेंगे उसका रंग चढ़ जाएगा। तो यही अविद्या है। तो अविद्या जो है ना, जीव की शुद्ध वास्तविक जो अवस्था है उसको ढक देता है, और जीव फिर वही कार्य करने लग जाता है। इसी को कहते हैं कैतव धर्म। जब कृत्रिम धर्म बौद्धिक धरातल से प्रभुत्व जताता है तो असली धर्म सुप्त हो जाता है, ठीक है। और जब यह कैतव धर्म पावरफुल हो जाता है तो असली जो जीव का धर्म है, जीवे रस स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो फिर दिखता नहीं है,
वो फिर दिखाई नहीं देता है। ऐसा खुद सबको अनुभव हो सकता है कि जब हम भक्ति में चेतना में रहते हैं, बहुत जल्दी बिगड़ती है चेतना, ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी बिगड़ती है, क्योंकि हम बहुत बहुत शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, इसलिए बहुत जल्दी बिगड़ती है चेतना। आप भक्ति में वातावरण में गए हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा मन है, बहुत अच्छे मन से आप यात्रा करने गए हैं शुद्ध चेतना से, और वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाई देगा दो भक्तों के बीच में कुछ अनबन हो गई है, कहीं पे कोई आपको ठग रहा है, कहीं थोड़ा सा आपको अब नॉर्मल चीज़ें दिखेंगी जो आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, तो आप भूल जाएंगे कि हम क्या क्या उद्देश्य लेकर वृंदावन आए थे। आप फिर उसी भाव में बह जाएंगे, और फिर आपको अगर हम समझाते भी हैं माता जी ऐसे मत करिए आप भक्ति करने आए हैं, या प्रभु जी ऐसे मत करिए, कोई भी समझाता है, आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि उस समय वो नाच रहा है सिर के ऊपर, रजोगुण का प्रभाव हो गया। तो आगे प्रभुपाद बताते हैं कि धर्म के विषय में तीन विभाग हैं, धर्म के विषय में तीन विभाग है, पहला सकाम कर्म का पथ, दूसरा ज्ञान और योग का पथ, और तीसरा पूजा और भक्ति का पथ। तो इसका बहुत बड़ा वर्णन है, इसके अंदर में बहुत बड़ा वर्णन है, अगर हम सबका वर्णन करेंगे आज तो ये क्लास नहीं समाप्त होगा। तो जिसको लेकिन जानना जरूरी है, आप सब भक्त हैं और आप सब बार बार कहते हैं कि हमको भगवत धाम जाना है, तो आपको ये समझना आवश्यक है कि हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति किस प्रकार से करें, कहाँ गलती होने की संभावना होती है। तो क्योंकि भक्त भी इसमें फंसता है, जो सकाम कर्म का पथ है, ज्ञान योग का पथ है, इसमें भक्त भी फंसता है। ऐसा नहीं है कि भक्त भक्ति कर रहा है तो उधर नहीं फंसता, उधर भी फंसने की संभावना पूरी तरह से बनी रहती है, क्योंकि पैरेलल चलता है वो चीज़ें। आपके आप तो ऐसे लोगों के बीच में हैं जो बहुत सारे लोग कर्मकांड को बहुत महत्व देते हैं, और भक्ति भी करने का तरीका होता है, उसमें भी थोड़ा कर्मकांड वाला तरीका होता है, ये करें तो ये मिल जाएगा, ये करें तो ये मिल जाएगा। तो सकाम कर्म जो है ना, सकाम कर्म मतलब हुआ कि कर्मकांड करना, कोई भी कर्मकांड। कर्मकांड किसे कहते हैं? जो चीज़ें करने के लिए बताया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया, जो वेदों में बताया गया है कि ये कार्य करना चाहिए, उसके बदले ये आपको मिलेगा। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, कुआं खुदवा दीजिए तो आपको ये फायदा होगा, अश्वमेध यज्ञ करा दीजिए तो आपको ये फायदा होगा, गोमेध यज्ञ करा दीजिए तो आपको ये फायदा होगा। ठीक है, बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं, बहुत प्रकार की तपस्याएं होती है, व्रत होता है, उपवास होता है, ये सब कर्मकांड के विभाग हैं। होली अभी परसों है, होली को भी कर्मकांड के तरीके से मनाया जाता है, दिवाली को भी कर्मकांड के तरीके से मनाया जाता है, दुर्गा पूजा को भी कर्मकांड के तरीके से मनाया जाता है, मुंडन जनेऊ विवाह संस्कार को भी कर्मकांड के तरीके से मनाया जाता है, किसी की मृत्यु होती है तो उसको भी कर्मकांड के तरीके से मनाया जाता है। यानी कि कर्मकांड भक्तगण भी बहुत आराम से करते हैं और बोलते भी हैं, मुझे बोला है भक्तों ने, हमारे गांव में ऐसा होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल, मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी सास का देहांत हुआ एक बार, मेरे ससुर का देहांत हुआ अभी थोड़ा पहले, तो यानी 6 साल पहले सास का देहांत हुआ, 5 या 6 साल हो चुका है, और अभी ससुर का देहांत हुआ। तो दोनों देहांत जो हुआ, दोनों में मैं वहाँ थी पूरा टाइम, 10 दिन 12 दिन 13 दिन जितना दिन जो भी विधि विधान हुआ वो सब लोग कर रहे थे और मैं भी वहाँ थी। बाहरी दृष्टिकोण से सबको लग रहा था कि मैं सब कुछ उनके हिसाब से कर रही हूँ, परंतु मैं कर नहीं रही थी। मैं क्या कर रही थी? अपना सुबह उठना, स्नान करना, तिलक भी लगाना, माला भी करना, जैसा होता है गायत्री भी करना, सब कुछ करना जो हमको सिखाया गया हमारे गुरु ने,
और वहां से जब चली आई तो मेरा जो रूटीन था वो फॉलो कर रही थी। वहां के कर्मकांडी पंडित का कुछ भी मैंने नहीं माना, ये दोनों के देहांत के बाद हुआ। अब सिमिलरली और भी भक्त के घर में ऐसा होता है और वो मेरे से पूछते भी हैं। मैं उनको बताती हूँ कि देखिए आपकी दीक्षा हो गई है, अब आप कृष्ण के परंपरा में आ गए हैं, तो कृष्ण के परंपरा में आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं बताइए। कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यास देव जी को, मध्व पद्मनाभ, शिल प्रभुपाद, फाइनली आपके गुरु महाराज, और आप भी जुड़ गए गुरु महाराज से, तो अब आप तो कृष्ण के परंपरा में हो गए। तो आपका जो जन्म वाला गोत्र है, जैसे देखिए अभी हमारा विवाह के पहले का गोत्र गौतम, ठीक है, विवाह के बाद का गोत्र हमारा हो गया वत्स, क्योंकि मेरे प्रभु जी का गोत्र है तो बदल गया वत्स, विवाह हुआ, लड़की का विवाह होता है तो जो पति का गोत्र होता है वो हो जाता है, तो फिर से गोत्र बदल गया, विवाह हुआ, गोत्र जन्म हुआ दूसरे गोत्र में, विवाह हुआ, फिर गोत्र बदल गया। अब हमारी दीक्षा हो गई, तो दीक्षा हो गई मतलब फिर गोत्र बदल गया, अब हमारा हो गया गोत्र अच्युत, क्योंकि हम कृष्ण के परंपरा में आ गए, कृष्ण के लीनियज में आ गए। तो ये बात समझा देती हूँ मैं, मेरा जो कर्तव्य है, पर वो भक्त नहीं मानता है। नहीं, हमारे गांव में एक साल तक ये सब नहीं करते हैं, हमारे गांव में ऐसे श्राद्ध होता है, हमारे गांव में 40 दिन तक ये होता है हमारे गांव में। तो फिर आप गांव वाला करिए, आपकी जो इच्छा हो वो करिए, मैं बोलती हूँ आपकी जो इच्छा हो वो करिए, नियम ये कहता है। मैंने तो कुछ भी नहीं माना, हमारे पंडित ने कहा साल भर तक आप लोग कुछ पूजा पाठ कांड कुछ भी कर्म कांड नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। मैंने पंडित के सामने बोल दिया, पंडित को ही बोल दिया, मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली हूँ, हम दीक्षित भक्त हैं और हम कुछ नहीं मानेंगे आपका, खत्म। पंडित कुछ जवाब नहीं दिया। बाद में मेरे प्रभु जी को बोला, आप लोगों के जैसे जजमान बहुत कम मिलते हैं, आपके इतना जितना आपको ज्ञान है, जितना आप प्रश्न वगैरह पूछे हैं, वैसे लोग नहीं मिलते हैं हमको। ठीक है आप जो कर रहे हैं करिए। तो ये क्या हो गया, मैं आपको ये क्यों इतना डिटेल में बताई कि ये रोज़ का प्रॉब्लम है। मेरे पास साल भर में कम से कम 15-20 फोन आते हैं, इसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, क्या करें। मंदिर में सबकी सेवा होती है, राजभोग सेवा, माता जी राजभोग सेवा में आना बंद कर देती हैं, बच्चे का जन्म हुआ 40 दिन तक बंद कर देती हैं। ठीक है, आप करिए बंद, अगर आपको मंदिर के पुजारी कहते हैं कि बंद करिए तो कर दीजिए, लेकिन अगर इस्कॉन मंदिर के पुजारी कहते हैं कि आप कर सकते हैं सेवा तो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ मंदिर के रूल्स हैं, सूतक लगने के बाद आप इतना दिन तक नहीं कर सकते, और कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें रिजिड नहीं होना है। अगर हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी कहते हैं, पुजारी कहते हैं कि माता जी आपको नहीं आना है सेवा के लिए इतना दिन तक, तो हमको नहीं जाना है। अगर वो कहते हैं नहीं आप आ सकते हैं तो हमको जाना है, तो ऐसी बात होती है। तो इसलिए जो सकाम कर्म का पथ है उसमें ये सारा चक्कर है, ये सब कर्म कांड है, ये सब सकाम कर्म है। सकाम कर्म अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको हर कर्म का फल मिलता है, और प्रभुपाद बता रहे हैं साफ साफ यहाँ पर कि सकाम कर्म कितना भी करे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग, इससे छुटकारा आपको सकाम कर्म नहीं दिला सकता, कभी नहीं। सकाम कर्म करते हुए आपको ये चार चीज़ों से छुटकारा नहीं मिलेगा, इन चार चीज़ों से छुटकारा आपको सिर्फ भक्ति दिला सकता है। इसीलिए सकाम कर्म का जो तरीका है, जो एक रास्ता है धर्म के फॉलोअर्स के लिए, वो इतना सही नहीं है, इससे आपको शाश्वत छुटकारा व्यक्ति को नहीं मिलेगा। जन्म मृत्यु बार बार होती रहेगी,
हम कर्म करेंगे उसका फल होगा, फल को भोगने आना पड़ेगा, फिर कर्म करेंगे फिर फल होगा, फिर को भोगने आना पड़ेगा। तो ये जो पथ है इसका रिकमेंडेशन प्रभुपाद ने नहीं किया। दूसरा हो गया ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग और योग मार्ग ये दूसरी विधि बताई। तो ज्ञान मार्ग और योग मार्ग जो है ये भी समान रूप से खतरनाक है, प्रभुपाद स्वयं लिख रहे हैं ये भी समान रूप से खतरनाक है, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता है कि इसका अंत कहाँ है। अनिश्चित मार्ग का अनुसरण करने से कहाँ हम जाएंगे, पता ही नहीं। हम चिंतन भी किसका कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं, खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं ज्ञान और मार्ग और योग मार्ग। तो भगवान के निर्विशेष स्वरूप से अनुरक्ति होने के कारण वासुदेव ज्ञान की दिव्य अवस्था तक ऊपर उठ नहीं पाता। जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग को फॉलो करता है वो तो एकदम सही है, ज्ञान मार्ग के पीछे पड़ेंगे तो भक्ति तो उसके हृदय में जागृत होगी ही नहीं, और वो वासुदेव स्थिति में नहीं उठ पाता है। मन की अशुद्ध अवस्था के कारण मुक्ति के अवस्था तक भी नहीं पहुंच पाता है, और बार बार अगर पहुंचता भी है ऊपर उठ उठ के योगा वगैरह के द्वारा, तो वहां से फिर गिर जाता है नीचे, भव सागर में पुनः आ गिरता है। उसका अधः पतन भगवान की सेवा में स्थिरता न होने के कारण होता। सेवा के द्वारा प्रेम जागृत होता है। हम जब डेटी वर्शिप करते हैं, भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं, तो भगवान से प्रेम जागृत, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। हमारा इंटरेस्ट होता है कि हम करें। आप करके देखिए, जितनी माता जी हार सेवा करती हैं उनको आप कितना भी रोकिए वो नहीं रुकेगी, वो जाएंगी। कुछ माता जी 7ों दिन हार सेवा करती हैं, भगवान की सेवा में बहुत आनंद है, लेकिन ज्ञान मार्ग में सेवा नहीं है, इसीलिए उनका उनके लिए भगवत धाम तो खैर जाना ही नहीं संभव है। वो मुक्ति तक जाते हैं, मुक्ति तक जाके फिर गिरते हैं, इसलिए ये रास्ता भी सही नहीं है। ठीक है, मानसिक चिंतन होता है, मानसिक चिंतन, सिर्फ सोचते हैं, सोच सोच के कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है शरीर से। तो योग भी वैसा ही है। एक साइंटिस्ट ने कहा, जो आया था विदेश से हमारे देश में, तो पाठ लिख रहा है, जर्मनी से आया था, जर्मनी का एक विद्वान। तो यहाँ पे कुछ लोग योग विधि का पालन करते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, योग के माध्यम से बहुत कुछ ऐसी चीजें कर पाते हैं जो साधारण व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, चमत्कार टाइप का भी चीज कर पाते हैं, सिद्धि भी प्राप्त कर पाते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि साइंस इतना विकसित हो गया है कि हम हवा में उड़ने के लिए क्यों हम योग करें, हवाई जहाज तो है ना, पानी पर चलने के लिए योग क्यों करें, शिप है। तो ये सब चीज सीखने के लिए मैं भारत नहीं आया हूँ, भारत में योग शक्तियों को सीखने के लिए मैं नहीं आया हूँ, अपितु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का मार्ग सीखने के लिए आया हूँ। कैसे भगवान से प्रेम होगा ये सीखने के लिए आए हूँ। तो इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम है, ये भक्ति मार्ग है। तो मुझे नहीं लगता मैं और कर पाऊंगी आज, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। मैं यहीं पर रोकती हूँ आज क्लास को, करीब करीब 1 घंटा होने आया है, 23 तारीख। तो बहुत आज का जो सब्जेक्ट मैटर था बहुत टफ था, थोड़ा साधारण लोगों के लिए, साधारण लोगों को कथा अच्छी लगती है, पर कथा नहीं थी इसमें, तो मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकती हूँ, आएगी बाद में कथा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो किया वर्णन चैतन्य चरितामृत में, ज़्यादा कथाएं आपको चैतन्य भागवत में मिलेंगी। चैतन्य चरितामृत में कथाएं हैं, परंतु साथ में फिलॉसफी भी बहुत ज़्यादा है, और शिला प्रभुपाद भी समझा रहे हैं, तो तत्व ज्ञान जानना जरूरी है। इसलिए आप लोग कोशिश करिए समझने की, और जहाँ प्रश्न हो मेरे से पूछिए। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर मानंदे, हरि हरि बोल। श्रीमद् चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय, और परम पूज्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय।